चलता था भाई ना, अभी कोई आइडिया नहीं। कोरोना वैक्सीन है नहीं, आवाम लगवाएं कहां से? कई शहरों में वैक्सीन का स्टॉक खत्म, रावलपिंडी के 7 वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद पड़े हैं। सरगोधा, मियांवाली, मुल्तान, डेरा गाजी खान में भी वैक्सीन की किल्लत। बहावलपुर, गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में वैक्सीन दस्तियाब नहीं। सरकार आपको वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है, वो वैक्सीन आपको मिल रही है, मुफ्त मिलती है, आप वैक्सीनेट अपने आप को कराएं ताकि लॉन्ग टर्म बेसिस पर इस वायरस से अपने आप को बचा सके, अपने घर वालों को बचा सके। और इस सिलसिले में आपने देखा कि सिंध भर में तकरीबन कोई 350 मुख्तलिफ मकामात पर हमने वैक्सीनेशन सेंटर एस्टैब्लिश किए ताकि एक आम आदमी आसानी से वैक्सीनेट करा सके। सिंध में वैक्सीन पीर से दोबारा शुरू करने का ऐलान, 350 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने बता दिया, 21 जून से प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला, 28 जून से दरगाहें, पार्क्स और इंडोर जिम्स भी खुल जाएंगे। पाकिस्तान में 3 माह बाद कोरोना से 1 दिन में कम तरीन अम्बात, वायरस मजीद 27 जाने ले गया। 24 घंटे में 991 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मजमू तौर पर मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। कराची में वबा का फैलाव 8% रिकॉर्ड किया गया। एक्सपो सेंटर लाहौर में बैरून मुल्क जाने वालों के लिए वैक्सीन खत्म, बैरून मुल्क सफर करने वालों को 1 हफ्ते बाद आने की हिदायत। वैक्सीन न मिलने पर शहरियों का पारा हाई, गेट तोड़कर वैक्सीनेशन सेंटर में दाखिल हो गए। अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना मौकफ फिर दोहरा दिया। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि ये मुमकिन ही नहीं कि अमेरिका को अफगानिस्तान में एक्शन के लिए अड्डे दे दें, CIA को पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म के 2 टोक जवाब पर अमरीकी सहाफ़ी भी हैरान, एब्सोल्यूटली नॉट ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। Government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. There's no way we're going to allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. क्या मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर घुटने टेक दिए? मोदी ने 24 जून को कश्मीरी रहनुमाओं की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। जम्मू कश्मीर की रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने दावतनामे की तस्दीक कर दी। मकबूजा कश्मीर की पुरानी हैसियत की बहाली पर बातचीत का इम्कान है। स्पीकर के हुक्म के बगैर बिलावल भुट्टो की तकरीर कैसे सेंसर की गई? पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, वजीर दिफा का उछाला गया कागज किसी को लग जाता तो 4-6 अपोजिशन अरकान लुढ़क जाते। बिजली और गैस के इस्तेमाल में 23% कमी हुई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कैसे इजाफा हुआ? इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी इस्लाहात पर तहफुजात, इलेक्शन एक्ट की कई शिकें आइन से मुतसादम करार दे दी। आबादी की बजाय वोटर्स पर हल्का बदियों की तजवीज आइन के खिलाफ वर्जी है, इलेक्शन कमीशन का विफाकी हुकूमत को खत। दूर दराज इलाकों के अफसर नई नस्ल के लिए मिसाल बन गए। IG पंजाब इनाम गनी का ताल्लुक मालाखंड से है। DG FIA सनाउल्ला अब्बासी लाड़काना से हैं। DG इंटेलिजेंस ब्यूरो डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान बन्नू के रिहायशी। IG सिंध मुश्ताक महर शिकारपुर का डोमिसाइल रखते हैं। IG बलोचिस्तान राय मोहम्मद ताहिर का आबाई इलाका कसूर, जबकि कमांडेंट FC सलाहुद्दीन खान शिमाली वजीरिस्तान से हैं। खबरदार, कोरोना के बाद कराची में एक और वबा ने हमला कर दिया। कैंडिडा और फंगस नामी खतरनाक बीमारी का पहला केस सामने आ गया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये बीमारी तेजी से फैलती है। रुतफाओ सिविल अस्पताल कराची में अलर्ट जारी कर दिया गया। कराची में नेगलेरिया से 30 बरस का नौजवान जाँ भाग, नेगलेरिया का शिकार मोहम्मद अली
कायदाबाद का रिहायशी था। आखिरी बार कैंट स्टेशन मस्जिद से वजू किया। कैंट स्टेशन की मस्जिद के वाटर टैंक के पानी में नेगलेरिया की मौजूदगी पाई गई। कराची में मलीर नदी पर कायम लिंक रोड सैलाबी रेले में बह गया। मलीर सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे का जमीनी राबता मुनकता। लिंक रोड बंद होने से सुपर हाईवे पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। कदामत पसंद इब्राहिम रईसी भारी अक्सरियत से ईरान के सदर मुंतखब हो गए। इब्राहिम रईसी ने 1,78,00,000 वोट हासिल किए। सदर हसन रूहानी की नए सदर के लिए नेक तमन्नाएं। फ्लाइंग सिंह का लकब हासिल करने वाले भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह कोरोना के बाद चल बसे। मिल्खा सिंह की उम्र 91 बरस थी। गुज़श्ता माह से कोरोना वायरस में मुब्तला थे। मोहम्मद आमिर से कोई इख्तलाफ नहीं, वो रिटायरमेंट वापस लें, परफॉर्म करें तो टीम में वापस आ सकते हैं। हेड कोच मिसबाह उल हक की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं वर्ल्ड कप में जाने से पहले टीम में बेहतरी लाएंगे, मिडिल ऑर्डर बैटिंग के मसाइल हल करेंगे। पीआईए की पहली एयर सफारी परवाज, 13 मुल्कों के 91 शहरियों की नागा पर्वत और केटू के फिजाई सैर सपाटे। सयाहों का शंग्रीला झील पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।